शुक्ला, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। धार जिले के कुक्षी में मां अंबिका मंदिर पाटीदार चौक में महानवमी पर्व मनाया जाता है। पाटीदार समाज द्वारा फूलों से रंगोली बनाकर अंबिका मंदिर की साज सज्जा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी की गई। समाज की महिलाओं एवं बच्चों ने माता रानी के दर्शन किए, साथ ही नगर के धर्म प्रेमी जनता ने माता के दर्शन कर लाभ लिए। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष महानवमी पर गरबा बाबा भजन कीर्तन एवं ढोल मंजरी बजाकर समाज के बुजुर्गों एवं युवाओं ने आनंद उठाया एवं समाज की महिलाओं ने बताया कि हर वर्ष महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम मां अंबिका मंदिर में किए जाते हैं। आनंद पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज के सभी जन द्वारा कार्यक्रम को किया जाता है। प्रतिवर्ष अनुसार समाज के युवकों द्वारा माता रानी का श्रृंगार कर मंदिर की साज सज्जा की जाती है एवं समाज के सभी लोग उपस्थित रहते हैं। मंडल में 70 जने रात 11 के रोज रामायण पाठ करते हैं, अमास के रोज हनुमान चालीसा करते हैं और हाजिरी भर के 12 महीने में करते हैं। हम कही रहे ठीक है, बताइए क्या समाज में किस प्रकार से त्योहारों को मनाया जाता है, नवरात्रि पर्व और क्या रहता है कार्यक्रम वगैरह? वैसे तो हिंदुस्तान में प्रत्येक महीने प्रत्येक त्यौहार को मनाया जाता है, पर हम जो पाटीदार समाज लेवा पाटीदार समाज यहाँ पर जो बसा हुआ है 78 गाँव में, मुख्य रूप से कुक्षी के अंदर 288 घर की बस्ती है और यहाँ लेवा पाटीदार समाज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हमारी अम्बे जी की कुलदेवी माता जो है उनका मुख्य पर्व होता है नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि के लोकपक्ष में 9 दिन तक यहाँ गर्भों का राज किया जाता है, प्लस हमारे यहाँ घर में घट स्थापना होती है जिसमें गर्भा बाबा की जोड़ी लाई जाती है और उसके माध्यम से अपना त्यौहार मनाते हैं और हर उत्साह के साथ में गर्भा का नृत्य होता है, ताल मृदिंग के साथ में मृदिंग वगैरह के साथ में भजन किए जाते हैं, गर्भे का रास होता है, वो साल भर विभिन्न गतिविधियाँ होती रहती है जिसके साथ ही यहाँ पर हमारे नवयुवक मंडल के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम साल भर होता है जिसमें पटेल क्लब है और भी विभिन्न क्लब है जिनके माध्यम से यहाँ पर उसको चलता रहता है। समाज को संगठित करने के लिए और राष्ट्र को उन्नत करने के लिए ये योजनाएँ बनाई गई है। ये हम लोग गुजरात से मूल रूप से यहाँ बसे हुए हैं और यहाँ पर आकर अपने युवाओं की जो व्यवस्थाएँ उसको बरकरार रखते हुए हमारे समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं।